हम लोग को एक टोटो मिला है, हम लोग यहाँ बैठेंगे इस पे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये है भैया का टोटो, दुल्हन की तरह इनको सजा दिया है। तो एंजॉय करते हैं हम लोग दोस्तों, वहाँ पे चलते हैं, काफी एंजॉय करेंगे। वहाँ पे मेला लगा हुआ, काफी बड़ा यज्ञ लगा हुआ ऐसा सुनने को मुझे मिला है। तो हम लोग यहाँ से मात्र में 3 किलोमीटर है, तो जब यहाँ आए हुए हैं तो हम लोग सोचे क्यों ना वहाँ घूम लिया जाए। क्या तुमको क्या लगा, जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, जब इतना दूर आए हैं तो घूम लेते हैं। घूम लेते हैं, अच्छा लगेगा तुमको? अच्छा ही, क्योंकि गाड़ी हम लोग पर नॉर्मल है तो। दोस्तों मुख्य बात ये है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे 4 बजे गाड़ी था जिसे हम लोग मिस कर दिए हैं। 4:30 में ट्रेन थी भागलपुर के लिए, वो गाड़ी मिस हो चुकी है और 9 बजे रात में गाड़ी है, तो इतना टाइम हम लोग कहाँ गुजारे, यही बात है ना? तो 9 बजे गाड़ी है, इतना टाइम हम लोग कहाँ पार्टिसिपेट करें। तो सोचे क्यों ना जग लगा है तो जग का आनंद लिया जाए। तो हम लोग चलते हैं जग देखने के लिए, और काफी मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ ऐसा सुनने के लिए मिला है। हम लोग चलते हैं वहाँ, एंजॉय करते हैं। आप लोग जिस समय से हम आए हैं उस समय से जो है दोस्तों, वहाँ पे आप स्टेशन पे देखे दो गाड़ियाँ हम जो ट्रेन जो है मिस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आए, भैया के साथ काफ़ी बातचीत की और वीडियो पता चला कि ओपन ही नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ है। तो भैया क्या नाम बताए थे आप? चंदन कुमार जी। चंदन जी ये टोटो चलाते हैं और ये विक्रमशिला खंडर जो है जहाँ पे आप आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्टेशन से, विक्रमशिला स्टेशन से आपको खंडर तक और खंडर से बटकेश्वर स्थान तक टोटो चलाते हैं। जब भी आप कभी आपातकालीन फंसते हैं या आपको वाहन की ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ आइए, इनसे ज़रूर मिलिए। और बहुत अच्छे स्वीट इंसान है, काफ़ी हमको अच्छा जगह पहुँचाए, और इनको मात्र में 2 सवारी हुए थे और ये हमको यहाँ तक पहुँचाए। आने के मूड में नहीं थे, यही ना, लेकिन हमको पहुँचाए, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल करके। तो चलते हैं हम आगे। दियारा में दोस्तों मेला लगा हुआ है, दियारा में, ठीक है। ये नदी का कटा हुआ ये एरिया है, पूरा रेगिस्तान की तरह एकदम पूरा बालू बालू आपको मिलेगा बिखरा हुआ, काफी दूर तक ये फैला हुआ है बालू। चलने में मजा, वो सीन कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन, गंगा के किनारे पहली। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, हम इसको बड़ा करके थोड़ा सा सूरज का प्रकाश दिखाते हैं, देखिए वाह। नदी ये सूख गया है और नदी सूखने के बाद जो है इसमें महायज्ञ करवाया गया इस एरिया पे, काफी बढ़िया जगह है, अंदर भी चलेंगे दिखाएंगे। देखिए इस तरह से गंगा जी के तट पे मेला का आयोजन किया गया है। मेरा जूता कैसा हो गया है? ये तो पैर खोल करके चल रही है। बिहार का रेगिस्तान काफी अच्छा है दोस्तों। यहाँ जो है यज्ञ का पर मुख्य गेट हुआ है, हम लोग अंदर घुसेंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया गया है इसमें पूरा। काफी मात्रा में बालू ही बालू आपको मिलेगा, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, खाली बालू देख सकते हैं। ये आरती के लिए यहाँ से आरती किया जाता है गंगा माता को, भीग जाएगी। देखिए क्या कर रही है ये, ये देखिए छू सकते हैं आराम से, कितना नजदीक है हम लोग। ये गंगा जी गंगा माता हुआ। आपको अच्छा लगा होगा मेला, तो हम जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से,
कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। भूल गए कि कहाँ जा रहे हैं। दिमाग मेरा काम करना छोड़ देता है। विक्रमशिला जो खुदाई स्थान है उस जगह तक तो टोटो मिला है, वहाँ से हम लोग फिर एक दूसरा टोटो बदलेंगे, वो जो है हमको स्टेशन तक पहुँचाएगी। तो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐतिहासिक की दृष्टि से, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से काफ़ी चीज़ हम इसमें मेंशन किए हैं, आप लोग को अच्छा लगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग कहलगांव स्टेशन पे बैठे हुए हैं। बात यह है कि देखिए, आप जानते हैं कि हम घूमने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जब गए थे वहाँ से गाड़ी जो है ना, फाइनली लास्ट गाड़ी थी 4 बजे और सेकेंड गाड़ी थी 9:30 रात में। और वो जो कहा विक्रमशिला स्टेशन है, वो स्टेशन सुरक्षित नहीं है और वहाँ पे लाइट्स का भी उतना व्यवस्था नहीं है, ठहरने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, एक तरह के हॉल्ट की तरह का वहाँ पे था, सुरक्षित नहीं था। इस वजह से हम लोग जो है वहाँ से कहलगांव आना पसंद किए और कहलगांव आए भी, और टोटो वाला आ नहीं रहा था लेकर के, टोटो ऑटो कुछ भी नहीं था वहाँ, कोई साधन नहीं था। तो हम लोग वहाँ से जो है एक ऑटो रिजर्व किए और राजीव कुमार यादव नाम से एक भैया मिले, वो हम लोग को बहुत हेल्प किए। वो फ़ोन करके किसी ऑटो वाला को बुला दिए और जो उनका किराया हुआ वो हम पे कर दिए उनको, और वो हमको कहलगांव तक छोड़ दिया। तो वहाँ अगर आप आते हैं विक्रमशिला खुदाई स्थल देखने के लिए, वेटिंग रूम में बैठे हैं, हाँ वेटिंग रूम में बैठे, 9:30 बजे यहाँ से गाड़ी आपको कहलगांव से ही मिलेगी। यहाँ पे कुछ आदमी है हलचल, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा आदमी भी बैठे हुए हैं और प्लेटफॉर्म पे भी आदमी बहुत सारा है। तो यहाँ पे हम लोग अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ से गाड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आप लोग सैलानी हैं, आते हैं घूमने के लिए, तो कृपया लेट तक आप वहाँ पे नहीं ठहरें, क्योंकि आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। आप सवेरे आइए, सवेरे चले जाइए, वो बेहतर रहेगा। और हो सके तो 4 बजे तक का गाड़ी लास्टली पकड़ें, 9 बजे तक वहाँ पे नहीं रुकें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यवस्था कोई भी सुविधा नहीं है। यही इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। कैसी बात है बोले, तो हम लोग को काफ़ी लेट हो चुका था 2 गाड़ी मिस होने की वजह से। तो उम्मीद करूँगा ये आपको अच्छा लगा होगा।